केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को श्याम वाटिका बिरला नगर में अनुसूचित मोर्चा के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रभावी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद संध्या राय, पूर्व मंत्री इमरती देवी मौजूद थे। सिंधिया के अनुसूचित मोर्चे के सदस्यों को हाथ से खाना परोसा और साथ में बैठकर भोजन किया। संवाद के दौरान एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे को लेकर 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में चर्चा की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। संवाद कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल अंचल के अजा वर्ग के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। संवाद कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश जाटव नजर नहीं आए। सिंधिया ने बताया कि अनुसूचित वर्ग उत्थान के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने नई कार्यकारिणी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अपेक्षा के अनुरूप परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने अनुसूचित वर्ग को भरोसा दिलाया कि भाजपा उनके हितों व अधिकारों के लिए भाजपा संकल्पबद्ध है। उन्होंने अनुसूचित वर्ग को भरोसा दिलाया कि भाजपा उनके हितों व अधिकारों के लिए संकल्पबद्ध है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा का पूरा फोकस अनुसूचित वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग पर ही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिक्षक और चिकित्सक का दर्जा सबसे बड़ा होता है। शिक्षक मनुष्य को ज्ञान देता है और चिकित्सक मनुष्य की जान बचाने का कार्य करता है। सिंधिया ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल की स्मृति में पाल युवा मंच द्वारा आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बात कही। महाराजा बाड़ा स्थित टाउन हॉल पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की। इस मौके पर बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल, पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पाल, जिला अध्यक्ष राकेश पाल, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विनोद शर्मा, हरीश मेवा फरोश, पार्षद मोहित जाट सहित पाल समाज के विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग उपस्थित थे। सिंधिया ने कहा कि पाल समाज द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल की स्मृति में प्रतिवर्ष मेधावी बच्चों को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया जा रहा है वह सराहनीय है। इस प्रकार के आयोजन सभी समाजों में किए जाने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थापना के पूर्व ही ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने मेडिकल कॉलेज और शिक्षा के लिए अनेक संस्थान प्रारंभ किए थे। ग्वालियर के चहुमुखी विकास में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निरंतर कार्य कर रहे हैं। और कौन है? हमारे जो मुरैना मुरैना से आए हैं। अरे नीरज जी।